नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने रीट की मैथमेटिक्स की क्लासों में कोण के बारे में और रेखाओं के बारे में पढ़ लिया है, और आज हम इन क्लासों पर जो हमने जो पिछले दो तीन क्लासें पढ़ ली हैं उन क्लासों पर न्यूमेरिकल जो है या क्वेश्चंस क्या है वो हम आज देखेंगे। क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप, मैं जैसे बता रहा हूँ एक बार वैसे करने की कोशिश करना, जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूँ तो क्वेश्चन को लिखने के बाद में, क्वेश्चन मिलने के बाद में उसको वीडियो को पॉज करना, उसको सोल्व करना। सोल्व नहीं हो तो आगे मैं सोल्यूशन कर ही रहा हूँ, उसमें जरूर देखना, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा है ए ओ बी, ओ जो है उसका मिडिल पॉइंट है और इस पर एक किरण बनी हुई है, ठीक है, ये ओ सी। देखो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। रेखा जिसके दोनों सिरों पर तीर के निशान हो, ठीक है, और किरण जिसके एक सिरे पर तीर का निशान हो, तो ओ सी एक किरण है। यहां पर हमें दिया है कि ये कोण है एक और ये कोण है दो, ठीक है, एक कोण दो कोण। अगर यदि क्वेश्चन अपना है यदि कोण एक अनुपात कोण दो बराबर कितना हो, एक अनुपात दो, ऐसा समझो कोण एक और कोण दो का अनुपात एक अनुपात दो है, तो कोण दो का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक रेखा है जिस पर ओसी किरण है, ये दो कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का अनुपात अगर ये हो तो कोण दो का मान क्या होगा। ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का। तो इसका आंसर मैं यहां पर करता हूं, आंसर क्या होगा, तो देखो मैंने क्या बताया था कि एक सीधी रेखा के एक तरफ कितने भी कोण बनो, ठीक है, सीधी रेखा पर एक तरफ कितने भी कोण बनो उन सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर कोण एक और कोण दो का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब टोटल कोण तो हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को एक अनुपात दो में डिवाइड करना है, तो देखो कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं तरीका बताता हूं कि जैसे 180 डिग्री को हमें डिवाइड करना है किसमें, एक भाग में और दो भाग में। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक बार जो अनुपात है उनको जोड़ के बटे में लिख दो, जैसे एक और दो अनुपात है तो एक प्लस दो कितना हो गया तीन, ठीक है। अभी हमें कौन सा मान निकालना है, कोण दो का मान निकालना है, तो कोण दो का अनुपात कितना है दो, तो दो को गुणा में लिख देंगे, ऐसा समझ में। मतलब जो टोटल कोण है इन दोनों का टोटल योग जो होना चाहिए उस योग को किससे गुणा करेंगे, गुणा तो करेंगे जो अनुपात निकालना है उससे, जैसे दो का मान निकालना है तो दो का अनुपात क्या था, कोण दो का अनुपात दो था तो दो लिख दिया मैंने। भाग किसका देंगे, टोटल अनुपात का, टोटल अनुपात एक और दो, दो का टोटल कितना हो गया तीन। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 60 बार, 60 को दो से गुणा करेंगे 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो एक सीधी रेखा है, ठीक है, और इस पर एक किरण है, ये रेखा है ओ ए ओ बी और किरण है ओ सी, ठीक है। अभी हमें क्या कहा है कि मान लो ये कोण है एक और ये कोण है दो, यदि क्वेश्चन है यदि कोण एक माइनस कोण दो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि कोण एक माइनस कोण दो का मान जो है वो कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री है, तो कोण एक का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या है कि वही वैसा ही क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा है जिसके एक तरफ दो कोण बने हुए हैं एक और दो, अगर कोण एक में से जो भी मान है इसका उसमें से दो को घटा दे तो कितना आ जाता है 120 आ जाता है, तो एक का मान क्या होगा। तो देखो हम क्या बता सकते हैं कि कोण एक प्लस कोण दो इन दोनों का योग करें तो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि रेखा के एक तरफ कोण 180 डिग्री होते हैं। और क्या दिया हमें, कोण एक माइनस कोण दो दिया है, कोण एक माइनस कोण दो कितना दिया है 120 डिग्री। अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो कोण एक प्लस कोण एक कितना हो गया दो इंटू कोण एक, ठीक है, कोण एक और कोण एक डबल हो गया कोण एक का, कोण दो
प्लस का कोण दो माइनस का कैंसिल हो जाएगा ये, इधर जोड़ेंगे तो ये जुड़की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 डिग्री, कितना हो गया 300 डिग्री। ठीक है, तो कोण एक का मान निकालना है तो देखो दो इधर गुणा में दो को इधर लेके जाऊंगा, 300 के बटे में आएगा, तो 300 बटे दो बराबर कितना आया 150 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे दिया है कि एक रेखा है इस पर दो किरण है, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, और हमें दिया है कि कोण एक कोण दो कोण तीन, ये तीन कोण दिए हैं, कौन कौन से, यदि यदि कोण एक अनुपात कोण दो अनुपात कोण तीन बराबर क्या हो, 3:4:5 हो, तो कोण दो का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या है कि कोण एक कोण दो और कोण तीन, इन तीनों के मानों का अनुपात कितना है, 3:4:5 है, तो कोण दो का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, अभी मैंने बताया था अनुपात वाला क्वेश्चन कि मुझे कोण दो ज्ञात करना है, कोण दो ज्ञात करना है यानी इसका चौथा ही अनुपात ज्ञात करना है, चौथा अनुपात ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आंसर देखो मैंने क्या बताया कि रेखा के एक तरफ टोटल यानी इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, फिर क्या करना है हमें चौथा मान निकालना है, तो 4 को तो गुणा करूंगा और बटे में इनके टोटल अनुपात का भाग दे दूंगा, टोटल अनुपात जैसे 4 और 3 7 7 और 5 12 का भाग दे दूंगा। ठीक है, 12 का भाग दूंगा तो ये देखो 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 से मैं काटूं 2 बार, 6 से इसको काटूं 30, 2 से इसको काटूंगा 2 बार, ठीक है, तो 3 × 6 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर, छोटा सा आंसर, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन यह है कि मान लो एक एक रेखा है, इसी तक टाइप का क्वेश्चन देता हूं कि ये दो किरणें इस पर है। ठीक है, अभी हमें मान लो कि यह वाला जो कोण है इसका मान है x डिग्री, इस कोण का मान है 40 डिग्री और इस कोण का मान है 3x+20 डिग्री। ठीक है, यह ऐसा क्वेश्चन है कि एक रेखा है, रेखा के एक तरफ जो तीन कोण बन रहे हैं दो किरणों के द्वारा, एक x डिग्री है, एक 40 डिग्री है और एक 3x+20 डिग्री है, हमें मान निकालना है इस x का, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो कि x का मान क्या आएगा। तो देखो ये भी आसान है कि रेखा के एक तरफ, रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो इन तीनों का योग भी क्या होगा 180 डिग्री, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि x प्लस 40 डिग्री प्लस 3x+20 डिग्री। ठीक है, और इन सबका योग क्या होगा 180 डिग्री। अब देखो x और 3x 4x तो ये हो गया, 40 और 20 60 ये हो गया बराबर 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 60 इधर जाके माइनस का, यानी 180 माइनस 60 कितना हो गया 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 आएगा, अगर 4x बराबर 120 है तो x बराबर क्या होगा 120/4, 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, कटेगा इससे 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, x का मान 30 डिग्री। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लो इस बार तीन रेखाएं अपने पास, एक ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये तीन रेखाएं हैं और हमें दिया है कि ये कोण है x, ये है 3x और ये है 5x।
देखो बच्चों, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी जो भी डाउट्स है या जो भी इस टॉपिक से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो सारे समझ में आ जाएंगे। तो मैं जैसे बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में भी बताया कि जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया तो आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है, और सोल्व करके फिर आंसर देखो। फिर जैसे आगे तो मैं सोल्व कर ही रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन चेक करो कि हमने जो सोल्व किया वो सही है या सर ने जो तरीका बताया वो और हमारे द्वारा किए गए तरीके में कितना डिफरेंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं शायद किसी दूसरे तरीके से सोल्व करूं, आप किसी और दूसरा तरीका लगा के सोल्व करो, तो वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, अपना आंसर कितना जल्दी आ रहा है, ठीक है, ये मैटर करता है, ठीक है, कितना आसानी से आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है कि तीन रेखाएं हैं जो ऐसे एक बिंदु पर काट रही है। अब क्या है क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा देखो यहां पर मैं एक बात पूछूं कि ये देखो कि इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं। अगर कई सारी रेखाएं एक कॉमन बिंदु से गुजरती है, एक ही बिंदु से गुजरती है, तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संगामी, ठीक है, संगामी रेखाएं हैं अपने पास, ये तीन संगामी रेखाएं हैं। अभी हमें दिया है कि इन तीनों का मान ये है, तो x का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात करो, तो x का मान क्या होगा। अब आप लोग सोचो इसको कि अगर ये कोण x है तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, x ही होगा। क्यों होगा x, देखो ये कोण x तो ये भी क्या हो जाएगा, x। x क्यों आए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, याद करो मैंने क्या बताया था, शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 5x है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 5x, ठीक है। ये कोण 3x है तो ये कोण भी कितना होगा, 3x। सिंपल सी बात है, यानी कि अपने पास 3x भी डबल हो गए, x भी डबल हो गए और 5x भी डबल हो गए, ठीक है। तो आंसर देखो मैं क्या बताता हूं, इसका आंसर क्या आएगा कि 3x 5x और x, मतलब x प्लस 3x प्लस 5x, ये सारे कोणों को जोड़े देते हो, देखो तीन डबल हो गया, तो मैं इन सबको डबल कर देता हूं, दोगुना कर देता हूं, x को डबल, 3x को दोगुना, 5x को दोगुना, दो दो बार आ गए, और इन सबका योग कितना होगा, तो अधिकतम कोण एक बिंदु पर मैक्सिमम कोण कितना बन सकता है, इन सभी कोणों का योग कितना डिग्री होगा, तो इन सभी कोणों का योग होगा 360 डिग्री, मैक्सिमम कोण होता है, ठीक है, सारी इसका 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 टोटल कोण 360 डिग्री। तो देखो दो को इधर लेके जाऊंगा तो भाग लगेगा, एक्स प्लस 3x प्लस 5x बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो गया तो इन सबका मान कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 5 और 3 8, 1 9x, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 भाग 9 यानी कि 20 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे है कि मान लो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, ये मैंने बताया था कि दो प्रतिच्छेदी, यदि दो रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो इसमें ये कोण है मान लो एक, ये कोण है दो, और ये कोण हमें ज्ञात करना है तीन, ठीक है, कोण एक, कोण दो और कोण तीन, ये तीन कोण दिए हैं हमें। कंडीशन क्या दी है, यदि कोण एक प्लस कोण दो बराबर 150 डिग्री है हो तो कोण तीन का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, आंसर कैसे निकलेगा कि कोण एक और कोण दो, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमें दिया है कि कोण एक प्लस कोण दो बराबर है 150 डिग्री, और क्या दिया है, और हमें पता क्या है, पता यह है कि कोण एक बराबर क्या होता है, कोण दो होता है, दोनों कोणों का मान बराबर होता है शीर्षाभिमुख होने के कारण, क्या होने के कारण, शीर्षाभिमुख होने के कारण, ठीक है।
तो हमें ज्ञात करना है कोण तीन का मान। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं क्या करता हूं, मैं पहले कोण एक का मान निकाल लेता हूं। किसका मान निकाल लेता हूं? कोण एक का। कैसे निकालूंगा? देखो कोण एक का मान निकालना है, तो कोण एक और दो बराबर है, तो दो की जगह पर क्या रख सकता हूं? कोण एक। वो मैं यहां रख दूंगा कि कोण एक तो यहां पर है ही, और ये वाला जो कोण दो है, ये वाला जो कोण दो है, इसकी जगह क्या रखूं? एक रख दूं। क्यों? क्योंकि कोण दो किसके बराबर है? एक के बराबर, ये शीर्षाभिमुख होने के कारण। तो दो की जगह पर भी क्या रख दूंगा? कोण एक बराबर 150 डिग्री। अब देखो कोण एक डबल हो गया, दो बार हो गया, तो 2 × कोण 1 = 150 डिग्री। तो कोण एक का मान क्या आ जाएगा? 2 का भाग इधर लग जाएगा, बराबर 150/2, यानी 75 डिग्री। अब कोण एक का मान, इसका मान कितना आ गया है? 75 डिग्री आ गया। अगर इसका मान 75 डिग्री है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो ये 75 डिग्री और ये कोण तीन, दोनों मिला के कितना कोण बनाएंगे? उसे कोण कोण एक प्लस कोण एक प्लस कोण तीन बराबर कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे, कोण एक और कोण तीन। क्यों? क्योंकि ये इस रेखा के एक तरफ है, 180 डिग्री। तो कोण तीन का मान क्या होगा? कोण तीन का मान क्या होगा? कोण एक को इधर लेके जाऊंगा, इधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 180 - कोण 1, तो कोण तीन बराबर क्या हो गया? 180 - कोण 1 का मान हमने ज्ञात किया, 75 डिग्री। तो कोण तीन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 75, ये कम कर लेंगे अपन, 105 डिग्री, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन सोल्व करते जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत काम में आने वाले क्वेश्चन है। आगे अपन सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, अपना ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि दो रेखाएं हैं, एक रेखा तो है ए बी और एक रेखा है सी डी। यह है सी और ये डी। हमें क्या दिया है कि एक कोण ए, ये मान लो बिंदु ओ पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती है? ओ बिंदु पर काटती है। और यहां पर हमें क्या दिया है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है 2x + 30 डिग्री का, और ये वाला जो कोण है, कौन सा कोण? बी ओ सी, ये कोण जो है ये दिया है 4x - 50 डिग्री का। आया समझ में? हमें क्या दिया है कि कोण ए ओ डी बराबर 2x + 30 डिग्री। ए ओ डी समझना, इसको कैसे लिखते हैं कि कोण ए ओ डी, तो जो बीच में लिखा हुआ होता है कोण उस बिंदु पर बनता है, यानी ये शीर्ष होता है कोण का। ठीक है, जो बीच में लिखा है, तो देखो ए ओ डी यानी ए ओ डी, ये वाला कोण 2x + 30। एक कोण दिया हमें कोण बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी कितना? 4x - 50 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि कोण ए ओ सी का मान ज्ञात करो। यानी हमें क्या पूछा है? कौन से कोण का मान पूछा है? हमें इस कोण का मान पूछा है कि इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान ज्ञात करके बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है कि कोण ए ओ डी यानी कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, ये कौन से कोण है? आमने सामने के कोण है, और आमने सामने के कोण कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख होते हैं। और मैंने क्या बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए ओ डी बराबर क्या होगा? कोण बी ओ सी। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है, इसलिए बराबर है। यानी ये दोनों बराबर है, तो दोनों के मान लिख देंगे। अपने पास मान है दोनों के, जैसे ए ओ डी का मान तो क्या है? 2x + 30 डिग्री। बराबर बी ओ सी का मान क्या है? 4x - 50 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो इस 50 को तो इधर ले आता हूं मैं, माइनस का है ना, ये इधर ले आता हूं, किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी 30 तो यहां पर है, 50 इधर से आएगा, तो प्लस का 50 बराबर इधर क्या है?
चार एक्स। अब ये जो 2x है इसको इधर लेके जाऊंगा, ये 2x इधर किसका है, प्लस का है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 2x, यानी 4x इधर लिखता हूं मैं, ये तो कितना हुआ 80 हुआ, ये कितना हुआ 4x माइनस 2x, 2x हुआ। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर देखो 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 80 में क्या लगेगा भाग, तो 80/2, यानी x का मान आया 40। लेकिन अपना आंसर ये नहीं है, अपना आंसर क्या है, हमें x का मान पूछा होता तो ये हो जाता, x का मान निकाला है हमने अभी, हमें निकालना है इस कोण का मान। ठीक है, तो कैसे निकालें, तो आप लोग क्या करो, या तो इस रेखा के इस तरफ के कोण ले लो या इस रेखा के इस तरफ के कोण ले लो, ठीक है, एक ही बात आंसर समान आएगा। तो इस रेखा के इस तरफ अगर मैं कोण लूं, जो क्या है, एक तो कोण है ये जो मुझे ज्ञात करना है, और एक कोण है ये जो मैंने ज्ञात कर लिया है लगभग, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, रेखा के एक तरफ है 180 डिग्री होगा, कौन कौन से दो कोणों का योग, तो पहले तो इसका मान निकालते हैं। देखो इसका मान क्या आएगा, यही निकाल दे रहा हूं, 2x+30, तो 2 × x का मान कितना 40+30, तो ध्यान रखना पहले गुणा करेंगे फिर योग करेंगे, बोर्ड मास का रूल है कि पहले भाग होता है फिर गुणा होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो पहले भाग तो है नहीं तो पहले गुणा और फिर प्लस, तो पहले गुणा करेंगे तो 4 × 40 × 2 = 80, तो ये हो गया, 80 में 30 और जोड़ा तो 110 डिग्री आ गया। अब आप लोग आसानी से देख सकते हो कि ये अगर 110 डिग्री है तो ये कितना शेष बचेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कोण कोण कौन कौन सा कोण, एक तो ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा 180, कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, ये रीजन मैंने बताया था पहले भी कि एक रेखा के एक तरफ जो कोण होते हैं 180 डिग्री होती है, इन कोणों को क्या कहते हैं, इन कोणों को क्या कहा जाता है, एक रेखा एक तरफ, एक सीधी रेखा के एक तरफ जो कोण बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, आप लोग पुरानी क्लास देखना और मुझे कमेंट में बताना कि इन कोणों को क्या कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये एक रेखा है, इस रेखा के इस तरफ के कोणों को देखें तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे हम। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, वैसे इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैं नाम पूछ रहा हूं नाम क्या होगा इनका, तो इन दोनों का योग तो 180 हो ही गया। अब मुझे निकालना क्या था, AOC का मान निकालना था, तो AOC का मान निकालूंगा, देखो देखो AOD का मान तो रखता हूं कितना 110, AOD जो मैंने निकाल लिया 110 प्लस कोण AOC बराबर 180, तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा 180, 110 को इधर लेके जाऊंगा 180 में से घटेगा 70 डिग्री आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, अपन तिर्यक छेदी रेखाओं पर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखाएं याद करो क्या लिखा था हमने, तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, यदि दो रेखाओं को या दो से ज्यादा रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसे अपन तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर है ये 8, कि मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये रेखा है ए बी और ये रेखा है सी डी, ये दो रेखाएं समानांतर है दोनों। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं मैं कि ए बी जो है वो बी सी डी के समानांतर है, और एक इस बिंदु पर भी मान लो, इस बिंदु पर ओ पर ये दो रेखाएं और आ रही है, और हमें दिया कि ये वाला कोण जो है 110 डिग्री है, ये कोण 120 डिग्री है, और हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है हमें ए ओ सी, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ए ओ सी का मान ज्ञात करो, तो ज्ञात करो फटाफट, देखिए क्या मान होता है, मैं तब तक थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूं। तो कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों रेखाओं के एक और समानांतर लाइन खींच लेता हूं, ये
ये एक समानांतर लाइन और खींच लेता हूं मैं। अगर ऐसा अगर मैं खींचूंगा तो ए बी और सी डी तो समानांतर है ही, अगर ये रेखा भी इनके समानांतर है तो देखो यहां पर ये एक समानांतर लाइन ये हो गई, एक समानांतर ये हो गई, एक रेखा इसको ऐसे काट रही है तो तीर एक छेदी रेखा हो गई। और याद करो मैंने क्या बताया था कि दो समानांतर लाइनों को एक तीसरी रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, समझना आप लोग इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं। और ऐसी स्थिति यहां बन रही है कि एक रेखा तो ये है, एक रेखा ये, तो देखो इस रेखा की जैसी ये रही, ठीक है, इस रेखा की जैसी ये रही ए बी, और ये जो तिर्यक छेदी है ये तिर्यक छेदी ये रही, ठीक है। अब इस रेखा के ये वाला कोण, ये वाला कोण देखो, ये कोण और इस कोण की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले कोण की, इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है अंतः कोण। क्या कहते हैं? अंतः कोण। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, यहीं पे मैं बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर दो रेखाएं समानांतर है जिनको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो जो अंतः कोण होते हैं उनका योग सदैव सदैव 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। कब? जब समानांतर लाइनों को तीसरी रेखा काटती है तब एक साइड के, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, एक साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। जैसे इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों का योग 180 डिग्री, और ऐसे ही बाह्य कोणों के लिए भी है, एक साइड के बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, एक साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, एक साइड के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री। कब? जब दो समानांतर लाइनों को तीसरी रेखा काटती है उस समय। तो ऐसी स्थिति में ये कोण 110 है तो इस वाले कोण का मान और इस कोण का मान दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। कौन कौन से दो कोण? तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि मान लो ये रेखा जो है ओ ई रेखा है, ठीक है, तो कोण कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी कितना है? 110 है, प्लस कोण ए ओ ई, ए ओ ई, इनका योग कितना होगा? 180। मैंने अभी बताया क्यों होगा, तो कोण ए ओ ई का मान क्या हो जाएगा, ए ओ ई का मान क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा, यानी 180 में से ये घट जाएगा, ये इधर जाके 180 में से घट जाएगा। कितना घटेगा? ओ ए बी कितना है, ओ ए बी कितना है? 110 है ये, ठीक है, तो ये घट के हो जाएगा 70 डिग्री। किसका मान आया? ए ओ ई का मान, ए ओ ई इस कोण का मान आया है, कितना आया है? 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री हो गया। अब ऐसे की ऐसे ही हम इस कोण का मान भी निकाल लेते हैं, वही बात है कि ये रेखा समानांतर, ये समानांतर एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, ठीक है, देखो ये समानांतर है, ये समानांतर है, एक रेखा इसको काट रही है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? अंतः कोण बन जाएंगे। एक साइड के अंतः कोणों का योग 180, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का योग होता है 180, 180 में अगर ये 120 है तो बचा हुआ कितना हो गया, 180 में से 120 गया तो 180 माइनस 120 क्यों घटाया? देखो मैंने अभी यहां पर सोल्व करके बताया कैसे हुआ ये, तो यहां पर एक साइड के कोणों के अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री ये बच जाएगा, अगर ये 60 डिग्री बच गया तो इस टोटल कोण का मान कितना आ गया, ये 60 और ये 70 कितना हुआ, आंसर हो गया 130 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या है, ऐसे ही मान लो कि दो समानांतर रेखाएं हैं, कौन सी, ए बी और सी डी, ये दो समानांतर रेखाएं हैं और यहां पर एक रेखा ऐसे बनी हुई है, एक रेखा ऐसे बनी हुई है, और ये बिंदु जो है वो बिंदु दिया गया है हमें O, हमें ज्ञात करना है इस कोण का मान, ये वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है क्या होगा। यदि ये कोण हमें दिया है 40 डिग्री और ये कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है, तो वृहद कोण, वृहद कोण कौन सा, बी ओ डी, कोण बी ओ डी का मान ज्ञात करो, करो, ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वृहद कोण, याद करो वृहद कोण क्या होता है, किसे कहते हैं वृहद कोण, वृहद कोण किसे कहा जाता है, यदि कोई कोण 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं वृहद कोण। और ये देखो ये वाला कोण जो है ये वृहद कोण है, 180 से तो ज्यादा ही है, 360 से कम है, तो इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो अभी मैंने जैसे बताया उसी तरीके से कि मान लो मैं इन दोनों के समानांतर एक लाइन और खींच दूं, ठीक है, अगर ऐसा मैं करता हूं तो ये समानांतर इनको एक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण, ये वाला, ये कोण 40 डिग्री और ये वाला कोण, दोनों मिला के कितने होंगे 180 होंगे, तो ये कोण कितना हो जाएगा, यानी कोण, इसको ओ मान लेता हूं, इसको ई मान लेता हूं, तो कोण ई ओ बी का मान क्या होगा, ई ओ बी, इस कोण का मान क्या होगा, कैसे, ये कोण दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180, अगर 180 में से इसको घटा दूंगा तो इसका मान आ जाएगा, यानी 40 को घटाने पर तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री, मतलब इस कोण का मान है 140 डिग्री, कैसे, देखो 40 और 140 मिला के कितना होगा 180 होगा, तो 180 हो गया। ऐसे ही ये कोण 60 है तो ये कितना होना चाहिए, 60 और कितना कोण जोड़े हैं इसमें कि 180 हो जाए, क्योंकि समानांतर लाइनों के अंतः कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो देखो ये 140 ये 120। अब हमें टोटल पूछा है तो टोटल का मान क्या होगा, 140 प्लस 120, तो अतः कोण ई ओ बी प्लस कोण ई ओ डी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कोण बी ओ डी का मान आएगा, और ई ओ बी कितना है 140 प्लस EOD कितना है 120, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, कि एक रेखा ये है और ये ऐसे किसी बिंदु O पर मिल रही है, मतलब ये रेखा है ए बी और ये रेखा है सी डी, ये है सी डी, हमें ये कोण दिया है, ये कोण दिया है 120 डिग्री और 110 डिग्री, तो मुझे इस कोण का मान ज्ञात करना है कि इस कोण का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक ऐसे लाइन खींच देता हूं, तो मैं इस कोण का मान निकाल लूंगा, किस से, इस वाले नियम से, ध्यान रखना ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है और इनके समानांतर ही मैं एक लाइन और बना रहा हूं, तो ये दोनों भी समानांतर है, ये दोनों भाग भी क्या है समानांतर है, समानांतर है तो ये क्या बन गए, ये कोण क्या बन गया, अंतःकोण, अंतःकोण की वजह से अगर ये 120 है तो ये कितना होना चाहिए 120 और ये होना चाहिए 60 डिग्री, कितना होना चाहिए 60, क्यों 120 प्लस 60 कितना होगा 180 होगा, एक साइड के अंतःकोणों का योग 180 होना चाहिए। ऐसे ही ये कोण कितना होगा, तो देखो ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 70 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 110 और 70 मिला के कितने बनेंगे 180 अंतःकोणों का योग, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो हम क्या बता सकते हैं कि कोण बीओसी प्लस कोण, ये जो है इसका मान ही लिख देता हूं, ये कोण कितना है 60 प्लस 70 कितना होगा 180, क्यों होगा, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है, तो कोण बीओसी का मान क्या होगा, ठीक है देखो 180 माइनस 60 माइनस 70, ठीक है तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो आंसर आ गया है 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग इनके जो भी नोट्स हैं या फिर इनके जो भी सॉल्यूशन है, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके इनकी सॉल्यूशन हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप आज कल तो नहीं, आप कल शाम तक उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इनके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके सॉल्यूशन है, आप लोगों के बहुत काम में आएंगे,
ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे देता हूं जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं, उसका सॉल्यूशन भी उन नोट्स में है, ठीक है, उन नोट्स में उसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप लोग अभी ट्राई करना, उसको नहीं आए तो फिर वो टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करना, जो इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस है वो डाउनलोड करना और उस पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा है कि दो रेखाएं अपने पास ए बी और सी डी, ये रेखा है ए बी और ये सी डी, ये दोनों क्या है, समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी है, ठीक है, और इनसे कोई दो और रेखाएं निकल रही हैं जो बिंदु इस ओ पर मिल रही है। हमें ये कोण दिया है 120 डिग्री, ये कोण दिया है 30 डिग्री, तो हमें इस कोण का मान निकालना है, कौन से कोण का, ओ सी डी का मान निकालना है, इस कोण का मान क्या होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं समझ में आए तो उसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, और मैं जो क्वेश्चन है इनके वो और आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे चैनल पे डालता रहूंगा, तो आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम के लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और पढ़ाई करते रहना।